कर दिया। आज औरंगाबाद के नाम की जो केस चल रहा है यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट में, उसकी तारीफ हुई, उसकी समाप्त हुई, जिसमें जो मेरा रिपिटिशन है उसमें मेरी तरफ से सीनियर काउंसिल एडवोकेट अंतुरकर साहब अपियर हुए और उनके साथ एसएस खाजी साहब थे, उनके जूनियर मोइन साहब भी मौजूद थे। आज अंतुरकर साहब ने जो सरकारी वकील जो अटॉर्नी जनरल की जो बहस हुई थी उसको पूरा जवाब देते हुए कोर्ट ने मौका दिया था हमको, उसमें हमने एक रिजॉइंडर भी दाखिल किया है या और भी कुछ उसमें मुद्दे जो हमको सामने लाने थे कोर्ट के वो भी हमने लाए हैं। अंतुरकर साहब ने बताया कि जिस किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक पूरी प्रोसीजर का मदद इस्तेमाल करके ये नाम बदल किया है और इसमें काफ़ी कानूनी पॉइंट्स जो थे डिटेल उसमें उन्होंने डिस्कशन किया। उन्होंने ये बताया कोर्ट को कि ये जो भी नाम जो किया हुआ है, रीनेमिंग का जो प्रोसेस हुआ है, ये गलत है, ये बेबुनियाद है, ये इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज औरंगाबाद के नाम की जो भी सारी समाध थी वो पूरी मुकम्मल हुई है। सरकारी वकील की बहस, हमारी तरफ से सारे जो भी जवाब रखे जाने थे वो रखे गए हैं और अब कोर्ट ने औरंगाबाद की हद तक जो ये मैटर है इसको रिजर्व कर दिया है। अब कल उस्मानाबाद की तरफ से बहस होनी है, उसके बाद उनका भी जो है वो मैटर रिजर्व कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें अब बहुत जल्दी फैसला आने का इम्कान है। रीनेमिंग का जो मैटर है आज वो क्लोज हो गया है, रिजर्व हो गया है जजमेंट के लिए। इसमें जो है तो एजी ने लास्ट डेट को आर्गूमेंट किए थे, 13-14 तारीख को उनका आर्गूमेंट हुआ, उसके बाद में 15 तारीख को भी हुआ और कोर्ट ने आज जो है तो रिजॉइंडर के लिए रखा था। जितने भी पिटिशन्स थे औरंगाबाद के लिए, सारे पिटिशनर्स के लिए कोर्ट ने आज रखा था मैटर रिजॉइंडर के लिए। तो आज हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे की तरफ से जो रीट पिटिशन मैंने दाखिल किया हूँ, इसमें मेरे साथ में सीनियर काउंसिल अनिल अंतुरकर साहब ने बहस किए और रिजॉइंडर के अंदर उन्होंने ये वाजी तौर पर बता दिया कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने गलतियाँ की है। ये जो रीनेमिंग हुआ है औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर, इसके करते वक्त गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया हुआ है। हमने आज जो है तो अलग से एक रिटर्न नोट्स ऑफ रिजॉइंडर भी फाइल किया है और हमारे रिटर्न आर्गूमेंट्स भी आज हमने अलग से फाइल किए हैं। ओरल आर्गूमेंट तो हमारे पहले हो चुके थे, आज जो है तो गवर्नमेंट के जो पिछले 3 दिन से आर्गूमेंट चल रहे थे उसको हमने काउंटर करते हुए ये बात साफ कर दी कोर्ट के जहन में कि ये जो भी एक्ट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से औरंगाबाद रीनेमिंग का जो इश्यू है अब वो रिजर्व हो चुका है जजमेंट के लिए और अब कोर्ट ने उस्मानाबाद का जो इश्यू है जो कि इसके साथ ही टैग होकर चल रहा था अभी तक, उसके लिए उसमें जो पिटिशनर्स है उनके आर्गूमेंट्स के लिए जो सरकारी वकील ने जो आर्गूमेंट किए थे उसको काउंटर करने के लिए कल की डेट मुकर्रर की है। तो कल होपफुली उस्मानाबाद की तरफ से भी जो पिटिशनर्स हैं उनके एडवोकेट्स जो आर्गूमेंट करेंगे उसके बाद उस्मानाबाद का भी मैटर जो है तो रिजर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों भी जजमेंट बहुत जल्द आने की उम्मीद है।